नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अभी पहले दो चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। वहीं नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनावी मैदान में होंगी ममता बनर्जी, जिससे पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिक गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने 57 सीटों के लिए नामों पर अपनी मोहर लगाई है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है, वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा को भी टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को टिकट देने से चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब नंदीग्राम में सीधा मुकाबला दादा वैस दीदी के बीच होगा। शुभेंदु अधिकारी कई बार ममता बनर्जी को चुनाव हराने का दावा कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी की ओर से दावा किया गया था कि वो ममता दीदी को करीब 50,000 वोटों से चुनाव हरा देंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठक में भाग लिए और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लगभग पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नंदीग्राम सीट पर बीजेपी वहां के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को ही चुनाव लड़ाएगी, और अब बीजेपी की पहली लिस्ट में ये साफ हो चुका है कि अब चुनाव में दादा वैस दीदी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।